डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपयोगकर्ता जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल यूजर्स को व्हाट्सएप पर +92 जैसे फॉरेन नंबरों से कॉल आने पर उन्हें न रिसीव करने के लिए आगाह किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ताओं को कोई कॉल आती है जिसमें कॉल करने वाले खुद को एक सरकारी अधिकारी बताता है और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनके मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करने की धमकी देता है तो ग्राहकों को कोई भी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। डॉट ने यूजर्स से यह भी कहा है कि अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी सामने आती है तो ग्राहक संचारसाथी.gov.in पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नागरिकों को पहले से ही साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने की स्थिति में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। डॉट ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई भी कॉल नहीं आती है और ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉट ने कहा है कि आजकल लोगों को उनके व्हाट्सएप पर +92 से शुरू होने वाले कई नंबरों से कॉल आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है जबकि +91 हमारे भारत का कंट्री कोड है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।